हेलो फ्रेंड्स, यूके निटिंग में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर और आसान सा सिंगल कलर का पैटर्न लेके आई हूँ। ये देखिए, इस पैटर्न को आप लेडीज़, गर्ल्स और बेबीज के ऑल प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। ये लेडीज स्वेटर, कार्डिगन, कोटी, फुल स्वेटर, लॉन्ग स्वेटर में बहुत ही सुंदर लगता है। इसके अलावा आप इसे कुर्ती और फ्रॉक में भी डाल सकते हैं। इस पैटर्न को बनाने के लिए हमने 22 के मल्टीपल में फंदे डालने हैं, यानी कि 22 के जोड़े के हिसाब से फंदे डालेंगे। 22 के मल्टीपल के हिसाब में हमने कैसे फंदे एडजस्ट कर लेने हैं, देखिए 6 फंदे हमारे यानी कि 6 फंदे उल्टे आएंगे और 16 फंदों पे ये जिगजैग में जो हमारी केबल बनी है पैटर्न की ये आएगी। फिर हमारे देखिए यहाँ पे ये 6 फंदे उल्टे आएंगे, फिर 16 फंदे पर ये पैटर्न आएगा, फिर 6 फंदे उल्टे आएंगे, फिर 16 फंदों पर पैटर्न आएगा। इस तरह हमने अपने पैटर्न के फंदे एडजस्ट कर लेने हैं और 10 नंबर की सिलाई में हमने ये पैटर्न बना लेना है। यदि आपके पास धागा बारीक है तो आप इसे 11 नंबर की सिलाई पे भी बना सकते हैं। ये पैटर्न बनके बहुत ही सुंदर लगता है, ये देखिए। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताएँ और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब देखिए, ये हमारे पैटर्न का फ्रंट साइड है और आप देखिए यहाँ पे ये हमारे पैटर्न का बैक साइड है। अब हम अपना पैटर्न बनाना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, हमने यहाँ पे यहाँ से और यहाँ तक एक ही केबल बनाएंगे पैटर्न में। यहाँ पे ये देखिए, ये फंदे मैंने यहाँ पे पहले से ही डाले हैं, ये हमारे 29 फंदे हैं। अब देखिए पैटर्न की फर्स्ट रो फ्रंट साइड से ये पहला फंदा उतार लेंगे, फिर धागा अपनी साइड, 5 फंदे उल्टे बुनेंगे, ये 5 फंदे हमने उल्टे बुने। 5 फंदे उल्टे बुनने के बाद देखिए, ये धागा अपनी ही साइड रखेंगे और 2 फंदे एक साथ बुनेंगे। ये 2 का 1 करेंगे, तो ये देखिए, ये 2 का 1 किया, जो फंदा लेस हुआ वो प्लस भी हो गया। फिर धागा अपनी साइड, 6 फंदे उल्टे बुनेंगे, ये हमने 6 फंदे उल्टे बुने। 6 फंदे उल्टे बुनने के बाद धागा पीछे करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 फंदे एक साथ बुनेंगे, ये 2 का 1 कर लेंगे, ये 2 का 1 किया। फिर देखिए, एक फंदा सीधा बुनेंगे, जो सीधे फंदे होंगे हमारे उनको हमने ऐसे पलटा के बुन लेना है। फिर धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा, तो सीधा फंदा हमने पलटा के बुनना है। फिर धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, एक फंदा हमने उल्टा बुन दिया। अब देखिए, 2 के 1 करने के बाद देखिए हमने 6 फंदे एक उल्टा एक सीधा, एक उल्टा एक सीधा ऐसे बुनते हुए 6 फंदे कंप्लीट कर दिए। फिर देखिए, धागा ऐसे पीछे ले जाएंगे और सिलाई पे रोल करते हुए धागे को आगे लाएंगे और फिर देखिए लास्ट में हमारे 7 फंदे हैं, इनको उल्टा बुनेंगे। ये फ्रंट साइड से हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। अब देखिए बैक साइड से सेकंड रो, पहला फंदा उतार लेना है। अब देखिए, जो फंदे हमारे सीधे हैं उनको सीधा बुनेंगे, फ्रंट साइड से जो फंदे हमारे उल्टे आए हैं वो बैक साइड से सीधे आएंगे। तो देखिए, 6 फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं। ये 6 फंदे सीधे बुने। अब देखिए, जो जाली से बना फंदा है ये भी बैक साइड से सीधा आएगा। फिर देखिए, नेक्स्ट फंदा सीधा आएगा, जो फ्रंट साइड से उल्टा है वो बैक साइड से सीधा आएगा। फिर धागा अपनी साइड, फिर देखिए जो फंदा फ्रंट साइड से सीधा है वो बैक साइड से उल्टा आएगा। देखिए, इस फंदे को हमने ऐसे पलटा के बुन लेना है, उल्टा फंदा हमने पलटा के बुना, धागा पीछे, एक फंदा सीधा,
फिर धागा अपनी साइड, फिर देखिए नेक्स्ट फंदा उल्टा आएगा तो इस फंदे को ऐसे पलटा लेंगे, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर देखिए नेक्स्ट फंदा उल्टा आएगा, फिर देखिए ये नेक्स्ट फंदा भी हमारा उल्टा ही आएगा। तो ये उल्टे फंदे हमने पलटा के बुन लेने हैं और उल्टे ही बुनने हैं। फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा, अब देखिए एक फंदा सीधा, ये नेक्स्ट वाला फंदा भी सीधा आएगा। फिर देखिए ये हमारे टोटल बीच में छह फंदे सीधे आएंगे बैक साइड से। ये देखिए ये फ्रंट साइड से हमारे छह फंदे उल्टे हैं। फिर धागा अपनी साइड, अब देखिए ये नेक्स्ट फंदा उल्टा है, इसको हमने ऐसे पलटा के डालना है और इसको उल्टा ही बुनना। फिर धागा पीछे करेंगे, अब देखिए यहाँ पे ये जाली वाला फंदा भी बैक साइड से सीधा आएगा और ये लास्ट के छह फंदे भी सीधे आएंगे। पूरे पैटर्न में हमने बैक साइड से यही प्रोसेस रिपीट करना है। जो फंदे सीधे होंगे उनको सीधा बुनेंगे और जो उल्टे होंगे उनको हम उल्टा ही बुनेंगे, और जो जाली से भी बनेंगे हमारे फंदे वो भी बैक साइड से सीधे आएंगे। तो ये बैक साइड से हमारी सेकेंड रो कंप्लीट हो गई। अब देखिए फ्रंट साइड से थर्ड रो, थर्ड रो में देखिए पहला फंदा उतार लेना है, फिर देखिए पांच फंदे उल्टे बुनेंगे, ये पांच फंदे हमने उल्टे बुन दिए। फिर देखिए यहाँ पे धागा पीछे ले जाएंगे और सिलाई पे रोल करते हुए धागे को आगे लाएंगे, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, अब देखिए ये नेक्स्ट फंदा सीधा है, इसको हमने ऐसे पलटा के डालना है और यहाँ पे दो फंदे एक साथ करेंगे, दो का एक कर लिया, फिर धागा अपनी साइड करेंगे और दो फंदे उल्टे बुन लेंगे। ये फ्रंट साइड से हमारी पैटर्न की थर्ड रो है, दो फंदे उल्टे बुने, फिर धागा पीछे, अब एक फंदे से हमने पांच फंदे बना लेने, एक, ये जाली से दूसरा, फिर बुन के तीसरा फंदा, फिर जाली से तीसरा, चौथा फंदा और ये बुन के पांच फंदे, ये हमने एक से पांच फंदे बना दिए। फिर यहाँ पे देखिए सलाई पलटाएंगे और इन पांच फंदों को एक एक करके बुन लेंगे। फिर ऐसे सलाई पलटाएंगे, अब देखिए एक एक करके हमने ये फंदे ऐसे राइट नीडल में डाल लेने हैं। अब देखिए जब लास्ट का फंदा रहेगा तो देखिए ये धागा है हमारे पास और इसको ऐसे ले जाएंगे और फिर इन फंदों को एक एक करके इसके ऊपर से उतार लेंगे। ये देखिए दो हो गए, ये तीन, चार और ये पांच, ये पांच फंदे हमने एक एक करके उतार दिए। फिर देखिए इस फंदे को एक बार और बुनेंगे, फिर धागा अपनी साइड करेंगे और दो फंदे उल्टे बुन लेंगे। ये दो फंदे हमने उल्टे बुने, फिर धागा पीछे, अब देखिए नेक्स्ट फंदा हम ऐसे पलटा के डालेंगे सिलाई में और यहाँ पे दो फंदे एक साथ बुनेंगे, ये दो का एक कर लेंगे, फिर धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा, सीधा फंदा हमने देखिए पलटा के बुनना है, फिर धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा हम सीधा बुनेंगे, फिर एक फंदा उल्टा, फिर देखिए धागा यहाँ पे पीछे ले जाएंगे जाली बनाने के लिए और सिलाई पे रोल करते हुए धागे को आगे लाएंगे और ये लास्ट के फंदे उल्टे बुनेंगे। आठ फंदे हमारे लास्ट में, ये फ्रंट साइड से हमारी थर्ड रो कंप्लीट हो गई। अब देखिए बैक साइड से फोर्थ रो, अब फोर्थ रो में देखिए जो फंदे सीधे हैं उनको हम सीधा ही बुनेंगे, अब देखिए जाली से बना हुआ फंदा भी हमने सीधा ही बुनना है। फिर देखिए नेक्स्ट फंदा सीधा आएगा,
फिर धागा अपनी साइड। अब देखिए नेक्स्ट फंदा उल्टा है, इसको हमने ऐसे पलटा के बुनना है। फिर धागा पीछे, सीधा फंदा सीधा आएगा। फिर देखिए जो उल्टा फंदा है इसको हमने ऐसे पलटा के बुन लेना है। फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा। अब देखिए ये देखिए नेक्स्ट चार फंदे भी हमारे सीधे ही आएंगे। ये देखिए फिर धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा। अब देखिए जो जाली से बना फंदा है वो भी सीधा आएगा और देखिए लास्ट के फंदे भी सीधे आएंगे। इस तरह हम बैक साइड से अपनी फोर्थ रो को कंप्लीट करेंगे। पूरे पैटर्न में हमने यही प्रोसेस रिपीट करना है। अब देखिए बैक साइड से जो फंदे हमारे सीधे आ रहे हैं उनको हमने सीधा बुनना है और जो फंदे उल्टे आ रहे हैं उनको हम उल्टा ही बुनेंगे और जो जाली से बने हुए फंदे हैं उनको भी हमने बैक साइड से सीधा बुनना है। पूरे पैटर्न में हमने बैक साइड से यही प्रोसेस रिपीट करना है। अब देखिए फ्रंट साइड से फिफ्थ रो। फिफ्थ रो में देखिए पहला फंदा उतार लेंगे। अब देखिए पाँच फंदे उल्टे बुन लेंगे। ये पांच फंदे हमने उल्टे बुन दिए। फिर देखिए यहाँ पे धागा अपनी ही साइड रखेंगे और देखिए अब यहाँ पे हमारे जाली से दो फंदे बढ़ गए। देखिए इनमें से ये पहला वाला फंदा हमने सीधा बुनना है। तो देखिए इस फंदे को हम ऐसे पलटाएंगे और इस फंदे को सीधा बुनेंगे। फिर धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे। अब देखिए यहाँ पे दो फंदे एक साथ बुनेंगे, दो का एक कर लेंगे। ये दो का एक किया, फिर धागा अपनी साइड। अब देखिए यहाँ पे चार फंदे उल्टे बुनेंगे। ये चार फंदे हमने उल्टे बुने, फिर धागा पीछे। अब देखिए इस फंदे को ऐसे पलटा के डालेंगे और दो का एक कर लेंगे। फिर देखिए नेक्स्ट फंदा सीधा आएगा, इसको हमने पलटा के बुनना है। एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा। फिर धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे ले जाएंगे और ऐसे सिलाई पे रोल करते हुए आगे लाएंगे और लास्ट के फंदे उल्टे बुन लेंगे। ये फ्रंट साइड से हमारी फिफ्थ रो कंप्लीट हो गई। बैक साइड से सिक्स रो, जो फंदे जैसे हैं उनको वैसे ही बुनेंगे। अब देखिए फ्रंट साइड से सेवंथ रो। अब सेवंथ रो में पहला फंदा उतार लेना है, पांच फंदे उल्टे बुनेंगे। ये पांच फंदे हमने उल्टे बुन दिए। फिर देखिए धागा पीछे ले जाएंगे और सिलाई पे रोल करते हुए आगे लाएंगे और एक फंदा उल्टा बुनेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे। फिर धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे। अब देखिए ये सीधा फंदा ऐसे पलटा के डालेंगे और दो का एक कर देंगे। ये दो का एक किया, फिर धागा अपनी साइड और तीन फंदे उल्टे बुनेंगे। फिर धागा पीछे, अब देखिए ये सीधा फंदा हम ऐसे पलटा के डालेंगे और यहाँ पे दो फंदे एक साथ बुनेंगे। ये दो का एक किया, फिर धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा। सीधा फंदा हमने पलटा के बुनना है। फिर धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा। फिर देखिए यहाँ पे
धागा पीछे ले जाएंगे और सिलाई पे रोल करते हुए आगे ला जाएंगे। फिर देखिए तीन फंदे यहाँ पे उल्टे बुनेंगे, ये दो और तीन, तीन फंदे उल्टे बुनने के बाद देखिए धागा पीछे करेंगे और एक फंदे से यहाँ पे पांच फंदे बना लेंगे। ये हमने एक फंदे से यहाँ पे पांच फंदे बना दिए। फिर देखिए ऐसे सिलाई पलटा लेंगे, अब इन पांच फंदों को बुन लेंगे, एक, ये दो, तीन, चार और पांच। फिर हम ऐसे सिलाई पलटा लेंगे। अब देखिए ये फंदे हमने एक एक करके ऐसे राइट नीडिल में उतार लेने हैं। अब देखिए जो लास्ट वाला फंदा है उसको ऐसे डालेंगे सिलाई, और देखिए ये धागा ऐसे सिलाई में डाल लेना है और एक एक करके इस धागे के ऊपर से हमने ये फंदे उतार लेने हैं। ये पांच फंदे हमने एक एक करके उतार दिए और इस फंदे को एक बार और बुन लेंगे। फिर धागा अपनी साइड करेंगे और देखिए लास्ट में जो हमारे ये छह फंदे उल्टे हैं इनको बुनते हुए हम फ्रंट साइड से अपनी सेवंथ रो कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए फ्रंट साइड से नाइन्थ रो, अब एक फंदा उतार लेना है, पांच फंदे उल्टे बुनेंगे। ये पांच फंदे हमने उल्टे बुने। फिर देखिए ये धागा अपनी साइड रखेंगे और एक फंदा इसको सीधा बुनेंगे। तो देखिए ऐसे पलटा के बुन लेना है हमने सीधा फंदा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे। अब देखिए सीधा फंदा ऐसे पलटाएंगे और दो का एक कर लेंगे, फिर धागा अपनी साइड, दो फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे। अब देखिए सीधा फंदा ऐसे पलटा लेंगे और दो का एक कर लेंगे, ये दो का एक किया। अब देखिए नेक्स्ट फंदा हमारा सीधा आएगा, तो सीधा फंदा हमने पलटा के बुनना है, एक सीधा, फिर देखिए एक फंदा उल्टा, फिर देखिए यहाँ पे धागा पीछे ले जाएंगे और रोल करते हुए आगे लाएंगे जाली बनाने के लिए, और देखिए लास्ट के फंदे उल्टे बुनते हुए फ्रंट साइड से हम अपनी नाइन्थ रो को कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए फ्रंट साइड से इलेवंथ रो, पहला फंदा उतार लेंगे, फिर पांच फंदे उल्टे बुनेंगे, ये पांच फंदे हमने उल्टे बुन दिए। फिर देखिए धागा पीछे करेंगे और सिलाई पे रोल करते हुए आगे लाएंगे, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपने साइड, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे। अब देखिए सीधे फंदे को ऐसे पलटा के डालेंगे और दो का एक कर लेंगे, फिर धागा अपनी साइड, एक उल्टा, फिर धागा पीछे, सीधा फंदा, देखिए ऐसे सीधा डालेंगे पलटा के और देखिए दो का एक कर लेंगे, फिर धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, फिर देखिए धागा ऐसे पीछे ले जाएंगे और सिलाई पे रोल करते हुए आगे लाएंगे और तीन फंदे उल्टे बुन लेंगे। ये हमने तीन फंदे उल्टे बुन दिए, धागा पीछे करेंगे और देखिए यहाँ पे एक फंदे पे पांच फंदे बना लेंगे। फिर देखिए ऐसे सिलाई पलटा लेंगे और इन पांच फंदों को एक एक करके बुन लेंगे। फिर देखिए हमने ऐसे सिलाई पलटा लेनी है और एक एक करके ये फंदे राइट नीडिल में डाल लेने हैं। अब देखिए जो लास्ट वाला फंदा रह जाता है उसको ऐसे ही सिलाई पे रहने देंगे और एक एक करके ये फंदे
ऐसे इस धागे के ऊपर से उतार के स्लिप कर लेंगे। फिर देखिए इस फंदे को एक बार और बुन लेंगे, फिर धागा अपनी साइड, और लास्ट के फंदे हम उल्टे बुनते हुए अपनी 11th रो को कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए फ्रंट साइड से 13th रो। अब 13th रो में देखिए पहला फंदा उतार दिया, 5 फंदे उल्टे बुन दिए, ये 5 फंदे उल्टे बुनने के बाद देखिए ये धागा अपनी साइड है और एक फंदा सीधा बुन लेंगे। फिर धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा बुनेंगे। जो सीधे फंदे हमारे उनको हमने हर बार पलटा के बुनना है फ्रंट साइड से। फिर धागा पीछे, देखिए ये सीधा वाला फंदा हमने ऐसे पलटाया और 2 का 1 कर लेना है, ये 2 का 1 किया। फिर देखिए यहाँ पे देखिए नेक्स्ट फंदे, इस सीधे फंदे को भी फिर ऐसे पलटाएंगे और यहाँ पे ये 2 का 1 कर लेंगे, ये 2 का 1 किया। अब देखिए 2 का 1 किया और धागा अपनी साइड करेंगे और 6 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये 6 फंदे हमने उल्टे बुन दिए। 6 फंदे उल्टे बुनने के बाद देखिए धागा पीछे करेंगे और यहाँ पे 2 फंदे एक साथ बुनेंगे, ये 2 का 1 कर लेंगे, सीधी साइड से डालेंगे सिलाई और 2 का 1 करेंगे। अब देखिए फिर धागा अपनी साइड करेंगे और फिर ऐसे पीछे ले जाएंगे और सिलाई पे रोल करते हुए आगे लाएंगे। और देखिए लास्ट के ये फंदे हम उल्टे ही बुनेंगे, ये 5 फंदे हैं हमारे लास्ट में। इस तरह हम फ्रंट साइड से अपनी 13th रो को कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए फ्रंट साइड से 15th रो। अब 15th रो में देखिए ये पहला फंदा उतार दिया और 6 फंदे उल्टे बुनेंगे, ये 6 फंदे हमने उल्टे बुन दिए। 6 फंदे उल्टे बुनने के बाद देखिए धागा अपनी ही साइड रहेगा जाली बनाने के लिए, और देखिए जो सीधा फंदा है इसको सीधा बुनेंगे। फिर धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा बुनेंगे। फिर देखिए धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर देखिए धागा पीछे करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 का 1 करेंगे, तो देखिए ये नेक्स्ट दोनों फंदे हमारे पास सीधे हैं, तो देखिए इन दोनों को एक साथ बुनेंगे। सीधी साइड से हमने सिलाई डालनी है और 2 का 1 कर लेना है, ये 2 का 1 किया। धागा अपनी साइड, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, ये 2 फंदे हमने उल्टे बुने, धागा पीछे करेंगे। और देखिए यहाँ पे हम ये पब बनाएंगे, तो 1 फंदे से हमने 5 फंदे बना लेने हैं। फिर देखिए ऐसे सिलाई पलटा लेंगे और इन फंदों को बैक साइड से बुन लेंगे एक एक करके। फिर हमने ऐसे सिलाई पलटा लेनी है और एक एक करके ये फंदे ऐसे राइट निडिल में उतार लेंगे। अब देखिए जो लास्ट वाला फंदा है उसको ऐसे सिलाई के अंदर ऐसे ही डालेंगे जैसे बुनते हैं, और फिर देखिए जो ये धागा है हमारा ऐसे ले जाएंगे
और देखिए एक एक करके फंदे इस धागे के ऊपर से उतार के स्लिप कर लेंगे। इन पांच फंदों को हमने एक एक करके स्लिप कर लेना है। ये देखिए, फिर देखिए इस एक फंदे को एक बार और बुनेंगे ये ऐसे, फिर धागा अपनी साइड। अब देखिए दो फंदे उल्टे बुनेंगे, ये दो फंदे हमने उल्टे बुन दिए, फिर धागा पीछे करेंगे। अब देखिए ये एक उल्टा और एक सीधा फंदा है, दो का एक कर लेंगे। ये दो का एक किया, फिर देखिए दो का एक करने के बाद फिर धागा अपनी साइड को, एक फंदा उल्टा बुनेंगे। फिर देखिए एक फंदा उल्टा बुनने के बाद देखिए धागा ऐसे पीछे ले जाएंगे और सिलाई पे रोल करते हुए आगे लाएंगे, और ये लास्ट के पांच फंदे उल्टे बुनेंगे। इस तरह फ्रंट साइड से अपनी 15 रो को कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए फ्रंट साइड से 17 रो। अब 17 रो में देखिए पहला फंदा उतार लेंगे और सात फंदे उल्टे बुनेंगे। ये सात फंदे हमने उल्टे बुन दिए। फिर देखिए ये धागा अपनी ही साइड रखेंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे। फिर धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा बुनेंगे। अब देखिए धागा पीछे ही रखेंगे और दो फंदे एक साथ बुनेंगे। देखिए ये उल्टा वाला फंदा और एक सीधा वाला, तो सीधी साइड से हमने सिलाई डालनी है, दो का एक कर लेना है। फिर धागा अपनी साइड, चार फंदे उल्टे बुनेंगे। ये चार फंदे हमने उल्टे बुन दिए। फिर धागा पीछे, अब देखिए यहाँ पे दो का एक करेंगे। ये दो का एक किया, फिर देखिए धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे, अब देखिए एक फंदा सीधा बुनेंगे। सीधा फंदा हमने पलटा के बुनना है। फिर देखिए ये धागा आगे लाएंगे और सिलाई पे रोल करते हुए फिर धागे को आगे लाएंगे और लास्ट के पांच फंदे उल्टे बुन लेंगे। इस तरह हम फ्रंट साइड से अपनी 17 रो कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए फ्रंट साइड से 19 रो। पहला फंदा उतार लेंगे। अब देखिए हमने 9 फंदे उल्टे बुन लेने हैं। ये देखिए ये टोटल हमारे 9 फंदे हो गए, चार और चार आठ और नौ। ये जो एक्स्ट्रा फंदा सहित हमारे यहाँ पे ये 9 फंदे उल्टे हो गए। अब देखिए धागा अपनी ही साइड रखेंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे। फिर धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे करेंगे और देखिए यहाँ पे दो का एक करेंगे। तो सीधी साइड से सिलाई डालेंगे और दो का एक कर लेंगे। ये दो का एक किया, धागा अपनी साइड। अब देखिए यहाँ पे हमारे तीन फंदे उल्टे आएंगे। ये तीन फंदे उल्टे बुने, फिर देखिए धागा पीछे करेंगे और यहाँ पे ये दो का एक कर लेंगे। ये दो का एक किया, फिर धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे, एक फंदा उल्टा। फिर देखिए धागा पीछे ले जाएंगे और सिलाई पे रोल करते हुए आगे लाएंगे और लास्ट के पांच फंदे उल्टे बुनेंगे। इस तरह फ्रंट साइड से हम अपनी 19 रो कंप्लीट कर लेंगे। फ्रंट साइड से 21 रो।
अब देखिए एक्स्ट्रा फंदा सहित हमने ये 10 फंदे उल्टे बुन लेने हैं। ये 10 फंदे हमने उल्टे बुने। फिर देखिए धागा अपनी ही साइड रखेंगे और एक फंदा सीधा बुन लेंगे, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, फिर देखिए एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर देखिए ये धागा पीछे ही रखेंगे और दो का एक कर लेंगे। तो देखिए सीधी साइड से सिलाई डालनी है और दो फंदे हमने एक साथ बुन लेने हैं। फिर धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, दूसरा फंदा भी ये उल्टा बुना, फिर धागा पीछे करेंगे। अब देखिए यहाँ पे दो का एक कर लेंगे, ये दो का एक किया, फिर धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर देखिए एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, और फिर देखिए धागा अपनी साइड लाएंगे और फिर ऐसे पीछे ले जाएंगे और सिलाई पे रोल करते हुए धागे को आगे लाएंगे और ये पांच फंदे उल्टे बुन लेंगे। इस तरह फ्रंट साइड से हम 21 रो कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए फ्रंट साइड से 23 रो। अब एक्स्ट्रा फंदा सहित हम 7 फंदे उल्टे बुन लेंगे। ये देखिए एक, ये दो, तीन, चार, पाँच, छः और 7। ये 7 फंदे हमने उल्टे बुन दिए। फिर धागा पीछे करेंगे और एक फंदे से यहाँ पे देखिए 5 फंदे बनाएंगे यहाँ पे, यानी कि हमने पफ बनाना है। तो एक हो गया, ये जाली से दूसरा फंदा, ये तीसरा, ये फिर जाली से चौथा और ये बुन के 5 फंदे। फिर धागा पीछे करेंगे, अब एक एक करके इन 5 फंदों को बुन लेंगे। फिर देखिए हमने ऐसे सिलाई पलटा लेनी है और एक एक करके ये फंदे हमने ऐसे राइट नीडल में उतार लेने हैं। और फिर देखिए इन एक एक करके इन फंदों को इस धागे के ऊपर से ऐसे स्लिप कर लेंगे। फिर इस फंदे को एक बार और बुन लेंगे। फिर धागा अपनी साइड, अब देखिए 3 फंदे उल्टे बुनने हैं। फिर देखिए यहाँ पे धागा अपनी साइड रहेगा और एक फंदा सीधा बुनेंगे। फिर धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, अब देखिए दो फंदे एक साथ बुनेंगे, दो का एक कर लेंगे, ये दो का एक किया, फिर धागा अपनी साइड, अब देखिए यहाँ पे एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे और देखिए दो का एक कर लेंगे, ये दो का एक किया, फिर धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, अब देखिए एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा। फिर देखिए धागा ऐसे पीछे ले जाएंगे और सिलाई पे रोल करते हुए आगे लाएंगे और लास्ट में ये 5 फंदे उल्टे बुन देंगे। इस तरह हम फ्रंट साइड से अपनी 23 रो कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए फ्रंट साइड से 25 रो। अब देखिए हमने ये जो एक्स्ट्रा फंदे है इसके सहित 12 फंदे उल्टे बुन लेने हैं। ये 12 फंदे हमने उल्टे बुन दिए। अब देखिए धागा अपनी ही साइड रखेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर धागा अपनी साइड, सॉरी ये धागा पीछे ही रहेगा, और देखिए दो का एक कर लेंगे, ये दो का एक किया, फिर देखिए नेक्स्ट यहाँ पे भी दो का एक करना है, ये दो का एक किया,
फिर देखिए धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, फिर देखिए एक फंदा सीधा, फिर देखिए धागा अपनी साइड लाएंगे और फिर ऐसे सिलाई पे रोल करते हुए फिर धागे को अपनी साइड लाएंगे और लास्ट के पांच फंदे उल्टे बुनेंगे। इस तरह हम फ्रंट साइड से अपनी 25 रो कंप्लीट करेंगे। अब देखिए फ्रंट साइड से 27 रो, और 27 रो में एक्स्ट्रा फंदा सहित हम 9 फंदे उल्टे बुनेंगे। ये 9 फंदे हमने उल्टे बुने। अब देखिए धागा पीछे करेंगे और एक फंदे पे ऐसे ही पफ बनाएंगे। तो देखिए अब देखिए तीन फंदे उल्टे बुनेंगे। ये तीन फंदे हमने उल्टे बुने, धागा अपनी ही साइड रहेगा और देखिए यहाँ पे ये तीन का एक कर लेना है। तो ये तीन फंदे हमने एक साथ बुनने हैं और सीधे बुनने हैं, ये तीन का एक किया। फिर धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा बुनेंगे। फिर देखिए धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा। अब देखिए एक फंदा हमने उल्टा बुना, फिर देखिए धागा ऐसे पीछे ले जाएंगे और सिलाई पे रोल करते हुए आगे लाएंगे और फिर लास्ट में हम पांच फंदे उल्टे बुनेंगे। इस तरह फ्रंट साइड से अपनी 27 रो कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए फ्रंट साइड से 29 रो, ये एक्स्ट्रा फंदे सहित 6 फंदे उल्टे बुनेंगे। ये देखिए ये 6 फंदे हमने उल्टे बुने। अब देखिए 6 फंदे उल्टे बुनने के बाद यहाँ पे हम जाली बनाएंगे। ये धागा अपनी साइड रखेंगे और 2 का एक कर लेंगे। ये 2 का एक किया, ये 2 का एक, फिर धागा अपनी साइड, 6 फंदे उल्टे बुनेंगे। ये 6 फंदे हमने उल्टे बुने। फिर देखिए यहाँ पे धागा पीछे करेंगे और 2 का एक करेंगे। तो देखिए जो सीधा फंदा है इसको ऐसे पलटा के डालेंगे और 2 का एक कर लेंगे। ये 2 का एक किया, फिर देखिए ये सीधा फंदा है इसको हमने सीधा ही बुनना है। ये सीधा बुना, फिर धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा बुनेंगे। फिर धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा बुनेंगे। एक फंदा उल्टा बुना, फिर देखिए
धागा एंड से पीछे ले जाएंगे और सिलाई पे रोल करते हुए आगे लाएंगे और लास्ट में देखिए ये 6 फंदे उल्टे बुनेंगे। इस तरह फ्रंट साइड से अपनी 29 रो कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए फ्रंट साइड से 31 रो। अब 31 रो में देखिए एक्स्ट्रा फंदा सहित 6 फंदे उल्टे बुन लेंगे। ये 6 फंदे हमने उल्टे बुने। 6 फंदे उल्टे बुनने के बाद देखिए ऐसे धागा पीछे ले जाएंगे और सिलाई पे रोल करते हुए आगे लाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे। अब देखिए जो सीधा फंदा है इसको ऐसे पलटा के डालेंगे, 2 का 1 कर लेंगे। ये 2 का 1 किया, फिर धागा अपनी साइड, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे। अब देखिए एक फंदे पे हम यहाँ पे पफ बनाएंगे, फिर देखिए 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर धागा पीछे। अब देखिए ये सीधा फंदा ऐसे पलटा के डालेंगे और 2 का 1 कर लेंगे। ये 2 का 1 किया, फिर धागा अपनी साइड, 1 फंदा उल्टा बुनेंगे, 1 फंदा सीधा बुनेंगे। फिर देखिए 1 फंदा उल्टा, 1 फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। फिर देखिए धागा पीछे ले जाएंगे और जाली बनाते हुए आगे लाएंगे धागे को और देखिए लास्ट के 7 फंदे उल्टे बुनेंगे। इस तरह हम फ्रंट साइड से 31 रो कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए फ्रंट साइड से 33 रो एक्स्ट्रा फंदे सहित 6 फंदे उल्टे बुन लेने हैं। फिर देखिए धागा अपनी ही साइड रहेगा और 1 फंदा सीधा बुनेंगे, फिर धागा आगे, 1 फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे। अब देखिए जो सीधा फंदा है उसको ऐसे पलटाएंगे और 2 का 1 कर लेंगे। 2 का 1 किया, धागा अपनी साइड। अब देखिए यहाँ पे 4 फंदे उल्टे आएंगे। फिर देखिए धागा पीछे। अब देखिए जो सीधा फंदा है उसको ऐसे पलटाएंगे, यहाँ पे देखिए 2 का 1 कर लेंगे। 2 का 1 किया, फिर देखिए सीधा फंदा है इसको हमने सीधा बुनना है। एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा, सीधा फंदा हमने पलटा के बुनना है, एक फंदा उल्टा। फिर देखिए यहाँ पे ऐसे धागा पीछे ले जाएंगे और सिलाई पे रोल करते हुए आगे लाएंगे और लास्ट के 8 फंदे उल्टे बुनेंगे। इस तरह फ्रंट साइड से 33 रो कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए फ्रंट साइड से 35 रो। 35 रो में एक्स्ट्रा फंदा सहित 6 उल्टे फंदे बुनेंगे। ये 6 फंदे उल्टे हो गए। फिर देखिए यहाँ पे ऐसे धागा पीछे ले जाएंगे, सिलाई पे रोल करते हुए आगे लाएंगे, एक उल्टा फंदा, धागा पीछे, एक सीधा फंदा, फिर धागा अपनी साइड, एक उल्टा फंदा, फिर धागा पीछे। अब देखिए सीधे फंदे को ऐसे पलटाएंगे और 2 का 1 कर लेंगे। फिर धागा अपनी साइड, 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे।
अब देखिए सीधे फंदे को ऐसे पलटा के डालेंगे, अब दो का एक का लेंगे, फिर धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर देखिए एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर देखिए ऐसे धागा पीछे ले जाएंगे और जाली बनाते हुए आगे लाएंगे, फिर देखिए यहाँ पे हम तीन फंदे उल्टे बुनेंगे। ये तीन फंदे उल्टे बुने, धागा पीछे करेंगे, अब देखिए यहाँ पे पप बनाएंगे, ये हमारा यहाँ पे देखिए पप बन के तैयार हो गया। फिर धागा अपनी साइड, अब देखिए लास्ट में हमने पांच फंदे उल्टे बुनने हैं। इस तरह फ्रंट साइड से अपनी 35 रो कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए फ्रंट साइड से 37 रो, अब एक्स्ट्रा फंदा सहित हम 6 फंदे बुन के उतारेंगे। ये 6 फंदे हमने बुन के उतारे, फिर देखिए धागा अपनी साइड रखेंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे। अब जो सीधा फंदा है उसको हमने पलटा के बुनना है, फिर धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे। अब देखिए सीधा फंदा ऐसे पलटा के डालेंगे, दो का एक कर लेंगे, फिर धागा अपनी साइड, दो फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे। अब देखिए सीधा फंदा ऐसे पलटा के डालेंगे, दो का एक कर लेंगे, ये दो का एक किया। फिर देखिए नेक्स्ट फंदा भी सीधा है, इसको हमने ऐसे ही पलटा के बुनना है, फिर एक फंदा उल्टा, फिर देखिए यहाँ पे धागा पीछे करेंगे जाली बनाने के लिए और सिलाई पे रोल करते हुए धागे को आगे लाएंगे। अब देखिए यहाँ लास्ट में हमारे 10 फंदे उल्टे हैं, इनको उल्टा ही बुनेंगे। इस तरह फ्रंट साइड से हम अपनी 37 रो कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए फ्रंट साइड से 39 रो, एक्स्ट्रा फंदा सहित हम 6 फंदे उल्टे बुन लेंगे। अब धागा पीछे करेंगे और सिलाई पे रोल करते हुए धागे को आगे लाएंगे, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे। अब देखिए यहाँ पे दो का एक करेंगे, तो जो सीधा वाला फंदा है इसको ऐसे पलटा के डालेंगे सिलाई में, और ये देखिए दो का एक कर लेना है, ये दो का एक किया, धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे। अब देखिए जो सीधा फंदा है उसको ऐसे पलटा के डालना है और फिर यहाँ पे दो का एक कर लेना है, ये दो का एक किया, धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, फिर देखिए ऐसे धागा पीछे ले जाएंगे और फिर सिलाई पे रोल करते हुए आगे लाएंगे और तीन फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे और एक फंदे पे पप बनाएंगे ऐसे ही। ये देखिए ये पप बन के तैयार हो गया, फिर धागा अपने साइड। अब देखिए लास्ट में हमारे यहाँ पे 7 फंदे उल्टे हैं, 7 फंदे उल्टे बुनते हुए हम अपनी 39 रो कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए फ्रंट साइड से 41 रो,
41 रो में एक्स्ट्रा फंदा सहित हम 6 फंदे उल्टे बुन लेंगे। ये 6 फंदे हमने उल्टे बुने, अब धागा अपनी साइड रहेगा और देखिए एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, फिर देखिए एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे। अब देखिए यहाँ पे ये फंदा हम ऐसे पलटा के डालेंगे और यहाँ पे देखिए 2 का 1 कर लेंगे, ये 2 का 1 किया। फिर देखिए नेक्स्ट फंदा भी ऐसे पलटा के डालेंगे और यहाँ पे ये 2 का 1 कर लेंगे, ये 2 का 1 करेंगे। फिर देखिए ये धागा अपनी साइड ऐसे जाली बनाने के लिए, देखिए हमने सिलाई पे ये धागा लपेट के आगे कर दिया और देखिए लास्ट के फंदे ये उल्टे बुन के अपनी 41 रो कंप्लीट कर दी। अब देखिए फ्रंट साइड से 43 रो, अब एक्स्ट्रा फंदा सहित हम यहाँ पे 7 फंदे उल्टे बुन लेंगे। ये 7 फंदे हमने उल्टे बुन दिए। अब देखिए यहाँ पे धागा अपनी ही साइड रखेंगे और एक फंदा सीधा बुन लेंगे, एक फंदा सीधा बुना, फिर धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा बुना, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा बुना, फिर एक फंदा उल्टा बुना, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा बुना, फिर देखिए एक फंदा उल्टा बुना, फिर धागा पीछे किया। अब देखिए यहाँ पे 2 का 1 करेंगे, 2 फंदे एक साथ बुनेंगे, ये 2 का 1 किया, धागा अपनी साइड, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे। अब देखिए 2 फंदे उल्टे बुनने के बाद धागा पीछे करेंगे और एक फंदे पे पफ बनाएंगे। तो देखिए देखिए ये हमारा पफ बन के तैयार हो चुका है, फिर धागा आगे और देखिए लास्ट में हमारे 10 फंदे उल्टे हैं, इनको उल्टे ही बुनेंगे। इस तरह 43 रो कंप्लीट कर लेंगे। ये फ्रंट साइड से हमारी 45 रो, अब एक्स्ट्रा फंदे सहित यहाँ पे 8 फंदे उल्टे बुनेंगे। ये 8 फंदे हमने उल्टे बुने, फिर देखिए यहाँ पे धागा अपनी साइड रहेगा, एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर एक फंदा सीधा बुन लेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर धागा पीछे ही रहेगा और एक उल्टा फंदा और एक सीधा फंदा एक साथ बुन लेंगे, ये 2 का 1 करेंगे। फिर धागा अपनी साइड, अब देखिए हमारे यहाँ पे जितने भी उल्टे फंदे हैं 3, 3, 6, 3, 9, 10, 11, 12, 13, ये 13 फंदे उल्टे बुनेंगे। इस तरह फ्रंट साइड से हम अपनी 45 रो कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए फ्रंट साइड से 47 रो, अब एक्स्ट्रा फंदा सहित हम 9 फंदे उल्टे बुन लेंगे। ये 9 फंदे हमने उल्टे बुन दिए, धागा अपने ही साइड रहेगा, एक फंदा सीधा बुनेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे,
फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे। अब देखिए यहाँ पे दो का एक करेंगे, ये दो का एक किया, फिर धागा अपनी साइड। अब देखिए यहाँ पे ये 13 फंदे उल्टे हैं, इन 13 फंदों को उल्टा ही बुनेंगे। इस तरह फ्रंट साइड से हम अपनी 47 रो कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए फ्रंट साइड से 49 रो। अब 49 रो में हमने 10 फंदे उल्टे बुनने हैं एक्स्ट्रा फंदा सहित। ये 10 फंदे हमने उल्टे बुने, ये धागा अपनी ही साइड रहेगा। अब एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर धागा अपनी साइड करेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर एक फंदा हम सीधा बुनेंगे। फिर धागा अपनी साइड, सॉरी धागा पीछे ही रहेगा। और देखिए यहाँ पे दो का एक करेंगे, ये दो का एक किया, फिर धागा अपनी साइड करेंगे। और देखिए ये हमारे 13 फंदे उल्टे हैं, इनको उल्टा ही बुनेंगे। इस तरह फ्रंट साइड से हम अपनी 49 रो कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए फ्रंट साइड से 51 रो। अब 51 रो में देखिए हमने एक्स्ट्रा फंदा सहित 11 फंदे उल्टे बुन लेने हैं। ये 11 फंदे हमने उल्टे बुने, धागा अपनी ही साइड है। अब देखिए एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे। अब देखिए यहाँ पे दो का एक कर लेंगे, ये दो का एक किया, फिर धागा अपनी साइड। और देखिए यहाँ लास्ट में ये 13 फंदे उल्टे हैं, इनको उल्टा ही बुनेंगे। इस तरह फ्रंट साइड से अपनी 51 रो कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए फ्रंट साइड से 53 रो। अब यहाँ पे हमने ये 12 फंदे उल्टे बुनने हैं। अब देखिए यहाँ पे ये 12 फंदे हमने उल्टे बुने, फिर धागा अपनी साइड। अब देखिए यहाँ पे एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर देखिए यहाँ पे ये दो का एक करेंगे, ये दो का एक हो गया, फिर धागा अपनी साइड। अब देखिए लास्ट में ये 13 फंदे हैं, इनको उल्टा ही बुनेंगे। इस तरह हम फ्रंट साइड से अपनी 53 रो कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए फ्रंट साइड से 55 रो। अब 55 रो में देखिए एक्स्ट्रा फंदा सहित हमने 4 फंदे उल्टे बुन लेने, 2, 3 और 4। ये 4 फंदे उल्टे आ गए हमारे राइट नीडल में। फिर धागा पीछे करेंगे और यहाँ पे देखिए एक पफ बनाएंगे। ये देखिए ये हमारा पफ बन के तैयार हो चुका है। फिर धागा अपनी साइड करेंगे और यहाँ पे 8 फंदे उल्टे बुनेंगे। ये 8 फंदे हमने उल्टे बुन दिए। अब 8 फंदे उल्टे बुनने के बाद देखिए ये धागा पीछे करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारे 2 सीधे फंदे हैं, इनको हमने आगे और पीछे करके बुनना है। तो पीछे का फंदा हम ऐसे आगे बुनेंगे, ये देखिए। फिर देखिए ऐसे हमने दोनों फंदों को स्लिप करना है और फिर देखिए जो आगे वाला फंदा था उसको हमने ऐसे पीछे लाना है। फिर देखिए धागा अपनी साइड लाएंगे जाली बनाने के लिए और देखिए जो पीछे वाला फंदा था इसको सीधा बुनेंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पे ये दोनों फंदों को आगे और पीछे करके बुना, फिर धागा अपनी साइड करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 8 फंदे उल्टे बुनेंगे। ये 8 फंदे हमने उल्टे बुने, फिर धागा पीछे करेंगे और एक फंदे पे यहाँ पे देखिए पफ बनाएंगे। ये देखिए ये हमारा पफ बन के तैयार हो चुका है। फिर धागा अपनी साइड को करेंगे और लास्ट में ये 5 फंदे उल्टे बुन देंगे।
इस तरह हम फ्रंट साइड से अपने 55 रो कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए फ्रंट साइड से 57 रो। अब 57 रो में हमने 13 फंदे उल्टे बुन लेने हैं। अब देखिए धागा पीछे करेंगे और 3 फंदे सीधे बुनेंगे। ये 3 फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं। फिर धागा अपनी साइड करेंगे और लास्ट में देखिए यहाँ पे ये 13 फंदे उल्टे बुनेंगे। अब देखिए फ्रंट साइड से 59 रो। 59 रो में हमने ये 13 फंदे उल्टे बुन लेने हैं। ये 13 फंदे हमने उल्टे बुने, फिर धागा पीछे किया। अब देखिए जो 3 सीधे फंदे हैं इनको हमने आगे पीछे करके बुनना है, तो जो पीछे का फंदा है उसको आगे बुनेंगे। तो देखिए पीछे वाला फंदा और आगे वाला फंदा एक साथ बुनेंगे। ये 2 का 1 कर दिया। फिर देखिए 3 फंदों को ऐसे स्लिप कर देंगे। अब जो बीच वाला फंदा हमने नहीं बुना उसको ऐसे सिलाई पे उठाएंगे लेफ्ट नीडल में और धागा अपनी साइड करेंगे जाली बनाने के लिए और एक फंदा सीधा बुन लेंगे। ये देखिए फिर धागा अपनी साइड करेंगे और लास्ट में ये 13 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। अब ये देखिए हमारा पैटर्न ये बनके तैयार हो चुका है। ये देखिए ये बनके देखिए बहुत ही सुंदर लगता है। और जो हमारी ये केबल जा रही है इसको आप पूरे पैटर्न में कंटिन्यू रख सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।